सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने आज कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संस्था को नहीं बचाया गया तो इस देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। अब विपक्षी पार्टियां भी इस बात को दोहरा रही हैं। उधर सरकार ने चुप्पी साध रखी है, उसका कहना है कि ये मामला न्यायपालिका का अंदरूनी मामला है। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देश की सर्वोच्च अदालत में जजों के बीच के मतभेद भी सामने आ गए, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ही नहीं सरकार के भीतर भी हड़कंप मच गया। आनन फानन में पीएम मोदी ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को मुलाकात के लिए तो बुलाया, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद सरकार ने इस बड़े विवाद से अपना पल्ला झाड़ लिया, ये कहकर कि जजों के बीच का मसला जज खुद ही सुलझाएंगे। लेकिन सरकार की इस दलील को उनकी ही पार्टी के सांसद का समर्थन नहीं मिल रहा। सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ तौर पर कहा कि जब किसी संवैधानिक संस्था में झगड़ा होता है तो दूसरी संस्था ही उसे सुलझा सकती है। जब उन्होंने ऐसी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कह दिए तो इस पर समाधान निकालनी चाहिए, और क्योंकि चीफ जस्टिस और इनके बीच में कुछ सुलह नहीं हो सकी आपस में बैठकर, तो मैं समझता हूँ कि आज एक ही बाकी है, वो प्रधानमंत्री, वो अपनी सेवा का प्रस्तुत करें। स्वामी ने यह भी कहा कि जिन जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले को उठाया है उनकी नीयत पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, सभी जज बेहद ईमानदार हैं। विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा करार दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के घर पर भी इस गंभीर मसले पर बैठक हुई, जहां कानून के कई जानकार और पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद के साथ साथ पी चिदम्बरम और केटीएस तुलसी भी मौजूद रहे। इस मसले को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेहद गंभीर बताया, तो साथ ही जज लोया की संदिग्ध मौत के मामले की भी जांच की मांग की है। वो सवाल उन्होंने उठाए हैं, बहुत जरूरी सवाल हैं, इनको ध्यान से देखा जाना चाहिए, एड्रेस किया जाना चाहिए। उन्होंने जस्टिस लोया जी की बात उठाई है, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, हाईएस्ट लेवल सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट लेवल जजेस के लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और ऐसी गंभीर बात उठी है इसलिए हम इस पे स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेफ्ट फ्रंट ने भी इस गंभीर मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। संविधान के जानकार सुभाष कश्यप की राय में ये खतरे की घंटी है। बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। आज न्यायपालिका के भीतर जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। इस मसले पर सब बोल रहे हैं लेकिन सरकार खामोश है। माना जा रहा है कि केंद्र इस मामले में चीफ जस्टिस के रुख का इंतजार कर रहा है। और अब आपकी आवाज यानी देश बोले। आज हमने सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के चार जजों को इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। इस पर जनमन के ढेरों दर्शकों ने अपने जवाब दिए हैं। साहिल का कहना है कि चीफ जस्टिस को ऐसे मामले अंदर ही सुलझा लेने चाहिए ताकि ये नौबत ही नहीं आती। दूसरे जनमन दर्शक है महेंद्र मेहता और कहते हैं कि चार जजों ने बिल्कुल सही किया, जब उनकी सुनी नहीं जा रही थी तो वो और क्या करते। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।